नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार गवर्नमेंट आईटीआई कॉलेज बांसी डिस्ट्रिक्ट बांदा में टीचर हूं और आप सभी छात्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आईटीआई 360 डिग्रीज में। आप सभी छात्र जिनका सेकंड फेज में एग्ज़ाम है, क्योंकि फर्स्ट फेज का जो है वो कल लास्ट एग्ज़ाम है, मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी कि फर्स्ट फेज में 18 से लेके 13 जो है अगस्त के बीच में पेपर होंगे। कल जो है लास्ट एग्ज़ाम है फर्स्ट फेज का। ऐसे में फर्स्ट फेज की मैंने आपको लिस्ट भी दिखा दी थी। अब सेकंड फेज जो है वो 17 से जो है स्टार्ट होगा, 17 से लेके 22 तक के बीच में सेकेंड फेज होगा, 22 या 23 के बीच में। तो ये सेकेंड फेज की सभी बच्चों की जो लिस्ट है वो आ चुकी है उत्तर प्रदेश में। एक यहाँ पर आप लोगों को टोटल मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर 1,64,938 छात्रों का एग्ज़ाम होगा इसमें, और सभी बच्चों की जो है वो लिस्ट यहाँ पर प्राप्त हो चुकी है। मैं आपको थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ, उसके बाद आपको बताऊँगा कि आप लोग कैसे लिस्ट डाउनलोड करेंगे और अपना नाम कैसे देखेंगे। अगर आपका इसमें नाम है आप लोग अपना नाम सर्च कर सकेंगे, पर ऐसे ये पीडीएफ तो यह है नहीं, एक्सेल फाइल है, ऐसे आप लोग जो है इसे ओपन नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक जो है एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा प्ले स्टोर से, वो सारी चीज़ें मैं अभी बता दूंगा, पहले आप लोग समझ लीजिए। यहाँ पर देखिए सारे रेगुलर बच्चे हैं, कोई बैक का बच्चा है नहीं, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा है, और यहाँ पर रीजन लिखा है कि नॉर्थ, मतलब ये पूरे उत्तर प्रदेश की है इसलिए नॉर्थ रीजन ही रहेगा। ये आईटीआई का कोड लिखा हुआ है, ये आईटीआई का नाम लिखा हुआ है, देखिए गवर्नमेंट आईटीआई आगरा है, प्राइवेट आईटीआई भी हैं इसमें, और फिर यहाँ पर एड्रेस भी लिखा हुआ है, स्टेट तो उत्तर प्रदेश है ही, डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखा है और रोल नंबर लिखा हुआ है, ट्रेनिंग का नाम लिखा हुआ है छात्र का, मेल फीमेल लिखा है, डेट ऑफ बर्थ लिखा है, और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हैं, ट्रेड का नाम भी लिखा है, इलेक्ट्रीशियन फिटर वगैरह जो भी हैं, और यहाँ पर इंजीनियरिंग ट्रेड है। अब बात करते हैं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि किस डेट में एग्ज़ाम है। तो देखिए यहाँ पर एग्ज़ाम जो है वो 17 तारीख से स्टार्ट है, 17 से लेकर 22 के बीच में यहाँ पर एग्ज़ाम है। मैं एक बार आप लोगों को इसमें जो है फ़िल्टर लगा के दिखा देता हूँ, ताकि थोड़ी बहुत चीज़ें आप लोगों को समझ में आ जाए। तो यहाँ पर देखिए फ़िल्टर में आ नहीं रहा है। अब बात करते हैं, यहाँ पर देखिए 9:03 पाली में जैसे एग्ज़ाम चल रहा है, अभी वैसे ही एग्ज़ाम चलेगा उत्तर प्रदेश में। किस लैंग्वेज में आएगा, तो हिंदी इंग्लिश दोनों में लैंग्वेज में पेपर आने वाला है आपका। अब बात करें कि ये जो लिस्ट है, क्योंकि 1,64,000 स्टूडेंट की लिस्ट है, पूरी लिस्ट तो मैं आपको दिखा नहीं सकता हूँ, मैं बस ये कर सकता हूँ ये लिस्ट आप लोगों को डाउनलोड करा सकता हूँ। आप लोग इस लिस्ट को कैसे डाउनलोड करेंगे, इस लिस्ट को डाउनलोड करने के लिए आप इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे और वहाँ पर लिखा होगा यूपी फेज़ 2 CBT एग्ज़ाम स्टूडेंट लिस्ट लिंक, और उस नीचे एक लिंक होगा, उस लिंक पर आप लोग क्लिक करेंगे, क्योंकि 50 MB का ये लिस्ट है, तो आप लोगों को थोड़ा सा समय लगेगा। बहुत सारे बच्चे कमेंट्स करते हैं, सर ये लिस्ट ओपन नहीं हो रही है या फिर लिस्ट डाउनलोड नहीं हो रही, तो आप लोग लिस्ट को डाउनलोड करने आप उस पर क्लिक करेंगे, आपके जाके गूगल ड्राइव में ये लिस्ट जो है वो डाउनलोड होगी, और वहाँ से आप लोग ओपन करेंगे तो ओपन नहीं होगी। ओपन कैसे होगी, ओपन करने के लिए पहले ही आपको प्ले स्टोर में जाना है, वहाँ से एक ऑफिस रीडर डाउनलोड करना है, ऑफिस रीडर आप लोग डाउनलोड करिए, तभी ये लिस्ट जो है वो आप लोगों की खुलेगी, क्योंकि ये पीडीएफ लिस्ट नहीं है, ये एक्सेल लिस्ट है, और एक्सेल लिस्ट जो है पीडीएफ रीडर से नहीं खुलती है। तो आप लोग पीडीएफ रीडर के चक्कर में ना पड़िए, आप लोग एक ऑफिस रीडर डाउनलोड कर लीजिए, ऑफिस रीडर से आप लोगों की पीडीएफ भी खुल जाएगी, एक्सेल भी खुल जाएगी, वर्ड भी खुल जाएगी, सारी फाइल खुल जाएंगी। तो आप लोग ऑफिस रीडर डाउनलोड करिए, अगर आपके पास ऑफिस रीडर नहीं है तो आप लोग अगर मेरे टैबलेट या स्मार्टफोन टैबलेट और या फिर लैपटॉप पर या फिर जो है कंप्यूटर पर मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो वहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर डाउनलोड करेंगे तो उसमें खुल जाएगी। खुलने के बाद आप लोगों को, अब यहाँ पर 1,64,000 स्टूडेंट हैं, आप अपना रोल नंबर कैसे सर्च करेंगे, अपना नाम कैसे इसमें देखेंगे, तो आप लोग यहाँ पर जाएंगे, आप लोग ये जो सर्च वाला ऑप्शन है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, एक सर्च वाला ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है, इस वाले सर्च वाले ऑप्शन पर आप लोग जो है क्लिक करेंगे। चलिए मैं एक रोल नंबर यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, थोड़ा सा मैं यहाँ से एक रोल नंबर कॉपी करता हूँ, यहाँ पर कॉपी का ऑप्शन है, कॉपी मैंने किया, यहाँ पर मैं सर्च पे जाऊँगा, सर्च पे जाने के बाद मैं यहाँ पर चलिए मान ली इसी रोल नंबर को पेस्ट करके और यहाँ पर सर्च का ऑप्शन पे गए, तो देखिए यहाँ पर ये रोल नंबर है, ये देखिए ये रोल नंबर यहाँ पर दिखा दिया कि यहाँ पर ये रोल नंबर आ गया है। तो ऐसे करके आप लोग जो है इसमें सर्च कर लेंगे, अगर आपका इसमें नाम है तो आप लोग उसके सामने किस डेट में किस एग्ज़ाम सेंटर पे और कौन सी पाली में आपका एग्ज़ाम है वहाँ पर जाके अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। देखिए यहाँ पर आप लोग अपने रोल नंबर के आगे डेट और यहाँ पर बैच लिखा है, पाली लिखी और एग्ज़ाम का जो सेंटर है वो सेंटर का नाम और एड्रेस सारी चीज़ें दी हुई यहाँ पर। तो आशा करते हैं आप लोग इस लिस्ट से अपना नाम देख लेंगे,
आपको कोई भी दिक्कत होती है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और लिस्ट कैसे डाउनलोड करना है, ओपन कैसे करना है, मैंने आपको क्लियर इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं। अगर आप ऐसे करेंगे तभी आपकी लिस्ट ओपन होगी, वरना आपकी लिस्ट जो है वो ओपन नहीं होगी। आशा करते हैं आप लोग सारी चीज़ें समझ गए होंगे। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।